नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। विज ने कोरोना को लेकर प्रदेश की स्थिति को कंट्रोल में बताया, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी से लेकर सुरजेवाला को अपने ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर प्रदेश की हर सियासी हलचल पर बेबाकी से बोलते हैं, और विज का विपक्ष को जवाब देने का अपना अलग ही अंदाज है। विज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया। दरअसल राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि घुसपैठ पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। अब अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का सीना चौड़ा होने पर उन्हें फर्क महसूस नहीं होता। वो अपनी सारी ताकत भारत की छवि खराब करने में लगाते हैं। तो अगर इस वक्तव्य को ठीक मान लिया जाए तो राहुल गांधी ही झूठ बोल रहा है, इसलिए उनके कथनानुसार वो देशभक्त नहीं हो सकता। उनका कहना है कि चीन और पाक के सामने घुटने टेकने वाले हमें नसीहत ना दे। चीन और पाक के सामने हमारी सरकार ने हमेशा दम खम से स्टैंड लिया है। वहीं अनिल विज ने एक बार फिर से सुरजेवाला को नसीहत दी है। विज ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट सिस्टम के हिसाब से तय होते हैं। अगर सुरजेवाला को तकलीफ है तो पहले अपने कांग्रेस शासित राज्यों में रेट कम करवाएं। देखिए, तेल के जो भाव तय होते हैं वो एक सिस्टम के तहत होते हैं, सरकार उसको घटाती बढ़ाती नहीं है। सुरजेवाला जी को अगर कष्ट है, तकलीफ है, तो अपनी कांग्रेस प्रदेश वाली सरकारों को कहें कि इस पे से टैक्स कम कर दें, मत लें टैक्स, लोगों को सस्ता तेल बेचें। पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा किए जाने के बाद अनिल विज ने एक बार फिर पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। विज ने कहा कि पाकिस्तान एक बिगड़ैल देश है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की शुरू से अवहेलना होती आई है। पाकिस्तान मानव मूल्यों की भी कदर नहीं करता है। पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ देश है, तो किसी भी प्रकार से हमारी सरकार ने पूरा प्रोटेस्ट किया है कि ऐसा ना किया जाए, और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार ने जो अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज आएगा। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर भी गृह मंत्री ने चिंता जाहिर की है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ये आज 78% है, और हमारा जो डबलिंग रेट है वो भी 23 दिन है, और जो मोर्टैलिटी रेट है वो भी हमारा 1.2% है। तो उस दृष्टि से जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट करने का हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारे डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टाफ ने मेहनत की है, ये उसका नतीजा नजर आ रहा है। कोरोना काल में सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है,
लेकिन इनके बावजूद प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री विपक्ष को जवाब भी दे रहे और अपने कामों को जनता के बीच रख रहे हैं। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। राफेल विमानों का पहला जत्था यूएई में रुकने के बाद अब अंबाला के लिए उड़ान भरने को बेताब है। अगर राफेल अपनी पूरी रफ्तार से उड़ान भरे तो ये एक घंटे में अंबाला पहुंच सकता है, लेकिन राफेल सीधे यूएई से अंबाला नहीं पहुंचेगा। ये एक खास मार्ग से होता हुआ पहले गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, फिर जामनगर से अंबाला के लिए ये उड़ान भरेगा। उधर राफेल के भव्य स्वागत के लिए अंबाला बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंबाला में राफेल की तैनाती बहुत अहम है, क्योंकि अंबाला से चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। अगर दुश्मन ने कोई गुस्ताखी की तो राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। आसमान में जिसका होगा दम वही बनेगा सरताज, और अब जंग में छुटाने दुश्मन के पसीने, दिखाने ड्रैगन को डरावने सपने, देखो आ रहा है राफेल। जिसका निशाना है अचूक, हमें है जिस पर विश्वास अटूट, वो लड़ाका देखो आ रहा है राफेल। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद, यूएई के अल डाफरा में रुकने के बाद, हिंद का वीर लड़ाका भारत की सरहद में कदम रखने को बेताब है। यूएई से अंबाला की दूरी 2395 किलोमीटर है, लेकिन राफेल को यह दूरी नापने के लिए एक घंटा ही काफी है। फ्रांस से भारत आ रहे 5 राफेल विमानों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रुकने के बाद अब अंबाला के लिए उड़ान भरने को बेताब है। अगर राफेल विमान अपनी पूरी स्पीड से उड़े तो एक घंटे और कुछ ही मिनट में अंबाला पहुंच सकते हैं। राफेल की स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इससे अंदाजा लग सकता है कि राफेल कितना खतरनाक है, यानी दुश्मन की पलक भी नहीं झपकेगी और दुश्मन जलकर राख हो जाएगा। फ्रांस से यूएई तक राफेल किस रास्ते से, किस सरहद से आया, ये तो आपने जान लिया, लेकिन यूएई से अंबाला एयरबेस कैसे आएगा राफेल, जरा ये भी जान लीजिए। यूएई में आराम करने के बाद राफेल खाड़ी मार्ग से भारत की तरफ बढ़ेगा, जहां खाड़ी में आने के बाद भारतीय वायुसेना को ईंधन देने वाली IL-3 राफेल के साथ होगी। इस दौरान विमान में एक अतिरिक्त पायलट और सह पायलट कर्मचारी होंगे, जो बारीकी से नजर रख रहे होंगे। खाड़ी से होता हुआ राफेल भारत की सीमा में सबसे पहले गुजरात के जामनगर में कदम रखेगा। यहां राफेल वायुसेना बेस पर उतरेगा। जामनगर में रीति रिवाजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। यूएई से राफेल खाड़ी मार्ग से गुजरात के जामनगर के लिए उड़ान भरेगा, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। अगर राफेल पाकिस्तान से होते हुए गुजरात के जामनगर के लिए उड़ान भरता तो इसमें वक्त कम लगता, लेकिन पाकिस्तान के साथ मौजूदा जो संबंध हैं, जो हालात हैं, उसको देखते हुए राफेल की सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी गई, ताकि सुरक्षा पुख्ता हो, और यही मकसद भी है। गुजरात के जामनगर में रुकने के बाद राफेल अपनी सबसे अहम उड़ान अंबाला के लिए भरेगा। जामनगर से अंबाला की दूरी 1400 किलोमीटर है, यानी कि आसमान से भ्रमण करता राफेल भारत के हर एक उस शहर से गुजरेगा जो उसके हवाई मार्ग में आएंगे। लेकिन राफेल की रफ्तार इतनी तेज होगी कि लोगों को राफेल के गुजरने भर का सिर्फ एहसास भर होगा। अंबाला में राफेल की कमान स्क्वाड्रन 17 संभालेगी।
अंबाला पहुंचने के बाद राफेल को वायुसेना के गोल्डन एयर स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। एक महीने पहले ही भारतीय वायुसेना का एक पायलट फ्रांस आ गया था। फ्रांस में सभी तकनीकी और उड़ान सबक सीखने के बाद ही ये पायलट फ्रांस से राफेल को खाड़ी के माध्यम से जामनगर और फिर अंबाला लेकर आएगा। आपको बता दें कि करीब दो दशक तक अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही तैनात रही एयरफोर्स की नंबर 3 कोबरा स्क्वाड्रन ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभाली। स्क्वाड्रन MiG-29 बाइसन श्रेणी के उन विमानों को इस समय उड़ा रही है जिनको आगामी 1-2 वर्षों में एयरफोर्स के बेड़े से बाहर कर दिया जाएगा। इस स्क्वाड्रन ने एयर डिफेंस एवं टोही मिशनों को बखूबी अंजाम दिया। करगिल युद्ध एवं ऑपरेशन पराक्रम के दौरान स्क्वाड्रन ने बेहतर एवं उच्च किस्म की सैन्य कुशलता का भी प्रदर्शन किया। मार्च 1997 में आने से पहले स्क्वाड्रन पठानकोट एयरबेस पर 24 वर्षों से तैनात थी। उस समय MiG-20 श्रेणी के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद वर्ष 2002 में अंबाला एयरबेस पर ही इस स्क्वाड्रन को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा अपग्रेड MiG-21 बाइसन श्रेणी के विमान प्रदान किए गए जो कि अब तक उड़ान भर रहे हैं। राफेल के स्वागत के लिए तैयार है अंबाला एयरबेस। अंबाला एयरबेस को राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल के स्वागत के लिए वायुसेना अड्डे को रंग बिरंगे झंडों से सजाया जा रहा है। राफेल के एयरबेस पर लैंड करने के बाद उन पर पानी की बौछारें की जाएंगी और वायुसेना की धुन भी बजाई जाएगी। मतलब राफेल के स्वागत की भव्य तैयारी है। वहीं राफेल के आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को तो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। प्रशासन ने आसपास के इलाके में पक्षियों को दाना डालने और कूड़ा डंप करने पर भी रोक लगा दी है। अंबाला एयरबेस को ही क्यों चुना गया? अंबाला एयरबेस पर राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर भारत के जंगी बेड़े की सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन भी तैनात है। साथ ही चीन और पाकिस्तान की सरहदें यहां से करीब हैं, इसलिए राफेल की पहली खेप की तैनाती अंबाला में ही की जा रही है जो कि चीन बॉर्डर से 300 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन करने के लिए पूरी तरह से राफेल तैयार रहेगा। गौरतलब है कि राफेल को मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। ऊर्जा मंत्री का यह दावा है कि राजस्व में बढ़ोतरी हुई है और इस वक्त हरियाणा के बिजली निगम 452 करोड़ रुपए के लाभ में चल रहा है। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने दावा किया है कि हरियाणा के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। बिजली मंत्री का कहना है
कि हरियाणा में इस बार लाइन लॉस कम हुआ है और इसके लिए पिछले मंत्री ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद भी किया। कि पहले जो था, जब से हमारे सीएम साहब ने टेक ओवर किया तब से लेके अब तक, पहले ये 30% 30.2 था और अब ये 17.4 रह गया। मतलब आप ये समझे कि 13% का लॉस कम हो गया। वो 13 में अब ये समझे कि जब 1% लॉस कम होता है तो 150 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट का या कंपनी का बढ़ता है, उनका सेट्स बढ़ते हैं। इसके साथ ही बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली पंचायत के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल भरने के लिए जागरूक किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की जरूरत के मुताबिक बिजली आपूर्ति के लिए पावर हाउसों को अपग्रेड किया जाएगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कई बिजली पंचायत करी तो लोगों पे भी असर है कि हमें बिजली चाहिए, कोई नहीं बिल भरना चाहिए। लोगों में जो जैसे एजुकेशन आ रही है, नए बच्चे हैं वो समझते हैं कि हमारे हर जगह सफ़र कर रहे हैं, इससे बढ़िया है कि हमें बिल देना चाहिए। वो कहते हैं जब हम बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए तो हमें देना चाहिए। बिजली मंत्री के मुताबिक इस वक्त हरियाणा के बिजली निगम 452 करोड़ रुपए के फायदे में चल रहे हैं और पिछली सरकार 30,000 करोड़ रुपए का घाटा छोड़ कर गई थी। लेकिन बिजली मंत्री का कहना है कि मनोहर सरकार ने न सिर्फ बिजली विभाग को फायदे में पहुंचाया, बल्कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। 1,000 करोड़ घाटे में थे, अब हम 452 करोड़ रुपए प्रॉफिट में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना में भी, जब वो 4 महीने लॉकडाउन का मामला था, तब भी हमारा डिपार्टमेंट घाटे में नहीं गया, तब भी हम प्रॉफिट में रहे, चाहे थोड़ा रहा, हम घाटे में नहीं। रणजीत सिंह चौटाला बिजली के साथ ही जेल मंत्री का पदभार भी संभाल रहे हैं। गुरुग्राम में डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट की कैदियों को नशा उपलब्ध कराने को लेकर जेल मंत्री ने कार्रवाई होने की बात कही। एक जगह अभी गुड़गांव में एक हमारा डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल था, जिसको कई दिन से उसका फ़ोन सर्वेलेंस पे था और उसके बाद उससे कुछ लोगों से अंदर उसका नेटवर्क बना हुआ था, 14 सिम मिले उसके पास और कुछ अंदर नशे विषय कुछ सप्लाई का मामला था उसका। उसे अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके उसे उस पर केस बना दिया, केस बना के जुडिशियल कस्टडी भेज दिया, इमीडिएट उसी दिन सब काम हो गया। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने ये भी कहा कि सिरसा जिले के विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए आ चुके हैं और सीएम की तरफ से की गई घोषणाओं पर काम शुरू हो चुका है। सिरसा से अमर सिंह ज्ञानी, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हरियाणा विशेष जारी है। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग, वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री संगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। अब फसल तैयार है एकदम हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। पढ़ लिख कर खूब तरक्की करना। ये सब तुमने किया? मैंने सारी फसल की कटाई भी कर दी और अगली फसल की बुआई भी। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लगते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक। शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की चिक चिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं
अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा खरीफ मौसम 2020 के लिए 7 जिलों अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में लागू किया जा रहा है। सभी किसान भाई जो कपास, बाजरा, मक्का और धान की खेती कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए निकटतम बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSC, सहकारी समिति, कृषि विभाग या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं कवरेज हेतु कृपया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित प्रचालन दिशा निर्देशिका एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना, मधुसागर शुद्ध देसी घी। प्रॉस्पेल जो सपना करे साकार, खोले समृद्धि के द्वार। डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा विशेष में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सीजन 2020-21 के लिए धान और बाजरा की खरीद की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को धान बेचने के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर उचित कदम उठाए जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए धान खरीद केंद्र किसानों के नजदीक से नजदीक बनाए जाए ताकि किसानों को अपने धान बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और मंडियों में भी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि खरीद केंद्रों को पिछले साल से 3 गुना बढ़ाकर करीब 600 किया जाए। दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि अधिकारी अगले 15 दिनों में सभी मंडियों में धान कांटों की जांच करें और जहां पर गड़बड़ी दिखाई दे उसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री के VVIP कल्चर को लेकर लिए गए फैसले के बाद से ना तो विधायक मंत्री की गाड़ियों पर लाल बत्ती दिखाई देती है, जिसके साइड इफेक्ट में भी देखने को मिले थे। हरियाणा विधानसभा ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला है। हरियाणा विधानसभा पहले विधायकों को गाड़ी के स्टिकर दिया करती थी, पर अब हरियाणा विधानसभा हरियाणा के विधायकों को लाल झंडी देगी, जिस पर हरियाणा विधानसभा MLA लिखा होगा। आपको ये बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से इन तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है मेरे सहयोगी विपिन ने। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। पहले जब माननीय चला करते थे तो एम्बेसडर कारें हुआ करती थी, काफिला हुआ करता था, जिसको देखकर ही लोग पहचान जाया करते थे कि कोई माननीय जा रहा है। उसके बाद उस पर बेकन यानी कि लाल बत्ती का कल्चर आया। ऐसे में सरकार बदली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया कि VVIP कल्चर को ख़त्म किया जाएगा। ऐसे में माननीयों की पहचान को लेकर जो है कई तरह के संशय जो है वो टोल प्लाजाज और सड़कों पर देखने को मिले, लेकिन अब हरियाणा में एक बार फिर से माननीय खास होने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की ओर से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि ये एक मैरून फ्लैग जो है वो तैयार किया गया है, जिस पर हरियाणा विधानसभा का ये लोगो है और उसके साथ ही हरियाणा विधानसभा MLA, यानी कि ये गाड़ी पर तब लगेगा जब विधायक उसमें बैठा होगा। इसी इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता साहब,
एक अलग पहचान रहा करती थी। एम्बेसडर कारें हुआ करती थी, काफिले हुआ करते थे, लाल बत्तियां दौड़ा करती थी, सायरन बजा करते थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई पिछले कुछ दौर में। पिछले सालों में ये तमाम चीज़ें देखने को भी नहीं मिल रही। लेकिन क्या वजह आन पड़ी कि एक बार फिर से माननीय को खास करने के लिए ये झंडी जो है उसको लॉन्च करना? नहीं, देखिए जिस प्रकार से ये जब से लाल बत्ती का कल्चर ख़त्म हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक डिसीज़न था जो हुआ। उसके पश्चात जो प्रैक्टिकल दिक्कतें, व्यवहारिक जो दिक्कतें विधायकों को, चाहे वो टोल प्लाजा के ऊपर है या चाहे कहीं पर पुलिस की चेकिंग के दौरान है या और कई स्थानों पर देखने को आई हैं, विधायकों ने शिकायत की है कि टोल प्लाजा के ऊपर हम एक एक घंटा हमें रोक के रखा जाता है, और इसलिए इसका कोई ना कोई हमारी पहचान होनी चाहिए। तो उनको एक पहचान उनकी विधायक के नाते हो, इस प्रकार के लिए एक ये जो फ्लैग है उसकी हमने रचना की है, ताकि ये पहचान हो सके कि जो व्यक्ति इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठा है वो विधानसभा का चुना हुआ नुमाइंदा है, 2.5 लाख लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है। दूसरी बात ये कि जो अधिकारी हैं, जो प्रोटोकॉल में विधायक से बहुत नीचे हैं, उन अधिकारियों के पास, सभी के पास ये उन्होंने फ्लैग लगाया हुआ है। किसानों की जानकारी के बिना जो लोग जमीन का गलत डेटा पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कड़ी नज़र रखने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों की मदद करना है, लेकिन इसका फायदा लेने के लिए सही गिरदावरी होना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए पटवारी के साथ साथ नंबरदारों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, और मंगलवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की। कृषि मंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुरूप पारदर्शी तरीके से खरीद प्रक्रिया करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर 31 अगस्त 2020 तक धान और बाजरे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी अवश्य दर्ज कराई जाए। इसकी गिरदावरी में नंबरदार की जवाबदेही सुनिश्चित हो, क्योंकि नंबरदार को उसके गाँव के बोए गए फसलवार रकबे की जानकारी रहती है। इस पूरे मामले में रकबे की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने वाले नंबरदारों को प्रोत्साहित भी किया जाए। और यहां पे वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. सौ 100% शुद्ध दूध से बना मुरली शुद्ध देसी घी, मेरे जैसा कोई दूसरा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, मेरे जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ना कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ब्रेक के बाद का फिर से स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि 210 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिमी जमुना नहर कैरियर सिस्टम के पुनरुद्धार के बाद मॉनसून अवधि के दौरान अधिकतम उपलब्ध पानी का उपयोग करने के लिए हमीदा हेड से मुनक हेड तक 3,700 क्यूसेक की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अलावा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर जिलों में लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंपों, मोटरों और अन्य सहायक उपकरणों को बदलने और उनके पुनरुद्धार पर लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। पुनरुद्धार के बाद लगभग 2100 क्यूसेक की उठान क्षमता बहाल हो जाएगी। यह पूरी परियोजना 31 दिसंबर 2020 तक पूरी होनी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उपलब्ध पानी के पूरे उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि सिंचाई के अंतर को खत्म करने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार से रकम प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी।
हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया 2021 के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको यहां पर ये बताएं कि खेल और युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मेजबानी की तैयारी शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। चंडीगढ़ में बैठक में संदीप सिंह ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश में होने वाले आयोजन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। खेल मंत्री ने यह भी बताया कि खेलो इंडिया 2021 की अधिकांश प्रतियोगिताएं पंचकुला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में करवाई जाएंगी। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 25,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को भाग लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसे में खिलाड़ियों के रुकने और रहने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना जिम्मेदारी है हमारी। उन्होंने आगे कहा कि खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्व खिलाड़ी होने के नाते मैं ये बात अच्छे से जानता हूं। यह बेहतर व्यवस्था न होने से खिलाड़ी के प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ता है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष के इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।